नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा आप लोगों के लिए लगातार निरंतर प्रयास जो कर रहा है वो उसमें सफल भी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों जितने प्रश्न को बताया था मैंने कल वो पेपर में आया था। जो छात्र वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा ये वीडियो उन लोगों के लिए कितना मददगार साबित हुआ है दोस्तों। तो जो अगला पेपर होने वाला है उसको भी हम लोग इसी तरह रौंदने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और समझेंगे जो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है उससे संबंधित कुछ प्रमुख टॉपिक और प्रश्नों को, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हाँ, जिन लोगों को पीडीएफ नोट चाहिए वो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो चैनल के डिटेल्स में दिया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को झटझट से लाइक कर दीजिए, और मैं वीडियो को फटाक से चालू करने जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। और दोस्तों वीडियो शुरू हो चुका है तो आप भी शुरू हो जाओ और समझते जाइए आप लोग इस प्रश्नों को और टॉपिक्स को। तो दोस्तों आपसे एक प्रश्न कल पूछा जा सकता है कि मांस में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है दोस्तों मांस में प्रोटीन की मात्रा जो होता है वो 15 से 25% तक होता है, ठीक है दोस्तों, 15 से 25% तक हो सकता है। और दोस्तों आगे है, सफ़ेद मछली में लगभग 2 से 4% वसा पाई जाती है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सफ़ेद मछली यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, केवल मछली क्यों नहीं लिखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, वसा के आधार पर मछली को दो भागों में बांटा गया है, मछली प्रजातियों को, जिसमें पहला होता है अधिक वसा वाली मछलियाँ, जिनमें कितना होता है दोस्तों, जिनमें वसा की मात्रा 5 से लेकर 25% तक पाया जाता है अलग अलग प्रजातियों में। और दोस्तों जो सफ़ेद मछलियाँ होती हैं उनमें वसा कम पाया जाता है, वो लगभग मात्र 2 से 4% तक ही पाया जाता है। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे है एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का रिक्वायरमेंट पूछ रहा है एक व्यक्ति के लिए स्वस्थ और प्रौढ़ व्यक्ति के लिए, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 400 ग्राम, यानी एक व्यक्ति को लगभग 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है सामान्य व्यक्ति को। और दोस्तों आगे देखेंगे एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितना वसा की आवश्यकता होती है दोस्तों। दोस्तों ये था कार्बोहाइड्रेट और ये हो गया है वसा। तो दोस्तों जो वसा होता है एक सामान्य व्यक्ति को लगभग 40 से 60 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है, कितना दोस्तों, तो 40 से 60 ग्राम, इसको आप दिमाग में नोट कर लीजिए। और दोस्तों आगे है, मानव शरीर में खनिज लवण शरीर का कुल भार का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जो 50.5%, ये गलत है, ठीक है, आपके लिए मैं नया लिख दे रहा हूँ दोस्तों। जो मानव शरीर में खनिज लवण का कुल भार का हिस्सा जो होता है दोस्तों वो लगभग 4 से लेकर 4.5% तक होता है, यानी दोस्तों लगभग 4% आप मान सकते हो जो खनिज लवण होता है वो मानव शरीर के भार में हिस्सा लेता है। और दोस्तों आगे है, एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है दोस्तों, जिसे 6 से 8 गिलास में भी कहा जा सकता है, यानी एक व्यक्ति को 6 से 8 गिलास या 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और दोस्तों आगे है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले अंतिम एजेंट क्या है। तो दोस्तों जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंतिम एजेंट है उसको ATP बोला जाता है। अब दोस्तों समझते हैं ATP क्या है। दोस्तों ATP का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राई फास्फेट होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों क्या, जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है उसका आखिरी स्रोत है। और दोस्तों आगे देखेंगे, वसा की अधिकता के कारण क्या होता है। तो दोस्तों वसा की अधिकता के कारण लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों, मोटू हो जाते हैं, यानी मोटा हो जाते हैं, फैट बढ़ जाता है तो मोटापा बढ़ जाता है, इसलिए ज़्यादा वसा के कारण मोटापा होता है। हालांकि इसको तो लगभग सभी लोग समझते होंगे दोस्तों, और बहुत सारे लोग मोटा होंगे भी। और दोस्तों आगे देखेंगे, रक्ताल्पता किसके कमी से होता है, यानी दोस्तों एनीमिया जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, ये किसकी कमी से होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये लोहा की कमी से होता है, एनीमिया जो होता है दोस्तों लोहा की कमी से होता है। जब आपके खून में रक्त में लोहा की कमी हो जाएगा तो दोस्तों आपको एनीमिया हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बीच से छोड़कर ना भागें, वरना आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए या मत करिए, ये आपके पसंद के ऊपर निर्भर करता है। पसंद आए तो ही लाइक करिए, और पसंद ना आए तो बगल में डिसलाइक का ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप डिसलाइक कर सकते हो। लेकिन वीडियो को बीच से छोड़ेंगे आप तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि क्या पता कि कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस वीडियो से प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है ये पूर्णतः सिलेबस आधारित वीडियो है। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और सबको ध्यान से समझते रहें दोस्तों। तो दोस्तों आगे देखेंगे अब,
कोल्ड स्टोरेज का तापमान। तो दोस्तों कोल्ड स्टोरेज क्या होता है आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं बताता हूँ। कोल्ड स्टोरेज की जैसा कि नाम से ही है, कोल्ड मतलब ठंडा, स्टोरेज मतलब उसको संग्रहण किया जाता है दोस्तों। तो कोल्ड स्टोरेज में कृषि से संबंधित वस्तुएं या खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए संग्रहित किया जाता है, जहाँ तापमान को कम करके उसको ख़राब होने से बचाया जाता है। अब समझेंगे दोस्तों कोल्ड स्टोरेज का तापमान कितना होना चाहिए दोस्तों। तो इसका तापमान 0 से लेकर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। बहुत छात्र कन्फ्यूज हो जाएंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोस्तों, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए सेल्सियस नहीं होगा। 0 से जो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 से 30 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है क्या है, कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक झट से कर दीजिए। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपसे पूछा जा सकता है डिब्बे में बंद करने पर खाद्य पदार्थ का तापमान कितना रहता है दोस्तों। तो दोस्तों डिब्बा में जो बंद खाद्य पदार्थ होते हैं उसका तापमान दोस्तों होता है आपका 275 डिग्री फ़ारेनहाइट से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। ये डिब्बा में बंद करने का समय का तापमान है, ठीक है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए, डिब्बा बंदी के समय का तापमान है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नमक क्या है। दोस्तों नमक एक परिरक्षक है। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एक परिरक्षक निम्नलिखित में से परिरक्षक कौन है, बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, उसमें नमक होगा तो आपको टिक लगाना होगा, यानी नमक क्या है, एक परिरक्षक है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ नमक परिरक्षक क्या है और परिरक्षक क्या होता है। दोस्तों परिरक्षक वो होता है जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, जो जिसके चलते खाद्य पदार्थ लंबा समय तक टिकते हैं, वो आपका परिरक्षक हो गया, परिरक्षण का मतलब हो गया। अब दोस्तों समझेंगे नमक परिरक्षक कैसे है। दोस्तों आप लोग साधारण तौर पर देखे होंगे जो नींबू का अचार होता है उसमें ज़्यादा नमक मिला देने से क्या होता है, नींबू के जो अचार में फफूंद नहीं लगते और ख़राब नहीं होता, इसलिए जो नींबू का अचार होता है, नमक जो होता है वो एक परिरक्षक का कार्य करता है, प्रिजर्वेटिव का कार्य करता है। और दोस्तों आगे देखेंगे खाद्य पदार्थ में परिरक्षक का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों जाहिर सी बात है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए करेंगे, क्योंकि सूक्ष्म जीव बढ़ जाते हैं तो खाद्य पदार्थ का संगठन खराब हो जाता है और वो बेकार हो जाते हैं। दोस्तों खाद्य पदार्थ में परिरक्षक का प्रयोग हम लोग क्या इसलिए करते हैं ताकि उसमें सूक्ष्म जीवों का वृद्धि रुक जाए। और दोस्तों आगे देखेंगे खाद्य पदार्थ में किरणन का प्रयोग क्यों किया जाता है। दोस्तों खाद्य पदार्थ में किरणन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए, ठीक है दोस्तों, खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए। और दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे है दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है। सॉरी इसके पहले ये इसको देख लीजिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है दोस्तों, तो दो विटामिन ए की कमी से होती है, यानी जिन लोगों में विटामिन ए की कमी होती है उनको आँख से संबंधित बीमारियाँ होता है, उसमें रतौंधी भी एक बीमारी है जो कि शामिल है। और दोस्तों आगे देखेंगे प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन क्या है। दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति का जो सबसे उत्तम साधन होता है वो मांस होता है, ठीक है दोस्तों, ये मांसाहारी लोगों के लिए सबसे उत्तम साधन है, जो नहीं खाते उनका तो बात ही अलग। तो प्रोटीन प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन का बात किया है तो मांस होगा। और दोस्तों आगे है प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। हाँ दोस्तों, तो प्रोटीन नाम जो है वो मुलर द्वारा प्रस्तावित किया गया, ठीक है दोस्तों, मुलर द्वारा प्रस्तावित किया गया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इस प्रश्न को पूछेगा आप लोगों से, तो आप लोग जवाब देना मुलर द्वारा। और दोस्तों आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों शरीर में ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान करना। जितना हम लोग काम करने में दैनिक जीवन में काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है हमें, वो सबके सब हम लोग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो कार्बोहाइड्रेट आपको दो प्रकार को होंगे, ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का दो प्रकार होता है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल समझते जाइएगा दोस्तों बारीकी से, क्योंकि इन्हीं चार प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि पिछला बार मैंने जो बताया था उस वीडियो में, जो पिछला पेपर था उसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे वो मिले थे, 30 से ज़्यादा प्रश्न मिले थे मात्र दो वीडियो में ही, इसलिए इस वीडियो को बारीकी से समझिएगा दोस्तों। एक वीडियो पहले भी डल चुकी है इस चैनल पर, तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लें दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये वीडियो है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पैराटाइफाइड किसके कारण होता है। तो दोस्तों पैराटाइफाइड किसके कारण होता है, दोस्तों सबसे पहले जानिए कि पैराटाइफाइड जो है ये, या टाइफाइड बीमारी होता है, वो एक जीवाणु जनित बीमारी है, ठीक है दोस्तों, यानी कैसा बीमारी है दोस्तों, ये बैक्टीरियल डिजीज है, और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है दोस्तों साल्मोनेला पैराटाइफाइड, ठीक है दोस्तों, साल्मोनेला पैराटाइफाइड के चलते
क्या होता है दोस्तों, पैराटाइफाइड नामक बीमारी होता है और यह जीवाणु होता है, इसको मैंने तो पहले ही बता दिया। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पैराटाइफाइड किस उम्र के लोगों को होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो पैराटाइफाइड होता है ये 10 से 25 वर्ष तक के लोगों को क्या करता है, अपना निशाना बनाता है और लोगों को परेशान करता है। तो 10 से 25 वर्ष के लोगों को परेशान करता है, उन पर ज़्यादा आक्रमण करता है और उनको ग्रसित करता है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखेंगे ORS का फुल फॉर्म। दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिए, मैं तो यही कहूँगा आप लोग इसको अभी याद कर लीजिए, या तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिए या तो अपने पेपर पेन उठा करके अपने नोट कर लीजिए बुक में, क्योंकि दोस्तों इसको पूछा जा सकता है। और प्रश्न ये है ORS का फुल फॉर्म दोस्तों तो होता है, ओ का मतलब होता है ओरल और आर का मतलब होता है दोस्तों रिहाइड्रेशन और एस का मतलब होता है सॉल्यूशन, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो ORS का पूर्ण नाम है। और दोस्तों आगे है पेचिस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, क्या आप लोग समझते हैं पेचिस क्या होता है दोस्तों? तो पेचिस होता है दोस्तों ये पेट से संबंधित बीमारी है जिसमें बार बार दस्त आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये पेचिस होता है, आप समझते हैं दोस्तों पेचिस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो पेचिस जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक होता है एमीबिक पेचिस जिसमें 5 से 6 बार दस्त होता है। अब दस्त का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, बार बार लोग शौच जाते हैं शौच करने के लिए, पेट खराब हो जाता है तो लूज मोशन सा हो जाता है तो। और दोस्तों जो दूसरा प्रकार है वो है बेसिलस पेचिस। अब दोस्तों समझते हैं जो बेसिलस पेचिस है वो कितना खतरनाक है, इसका अंदाज़ा आप यही सी इसी बात को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें जो है दोस्तों 20 से 24 बार दस्त होता है। सोच लीजिए आप कि कितना ये घातक बीमारी है, अगर 20 से 24 दस्त हो जाए तो मानव शरीर में पानी का कितना कमी हो जाएगा। तो जो एमीबिक पेचिस होता है ये कुछ कम खतरनाक होता है, इसमें मात्र 5 से 6 बार दस्त होता है और बेसिलस पेचिस में 20 से 24 बार दस्त हो जाता है, इसलिए मनुष्य कमज़ोर हो जाते हैं। और दोस्तों आगे देखेंगे पेचिस रोग का प्रसार मक्खियों द्वारा होता है, इसको समझिए समझने वाला टॉपिक है। पेचिस रोग क्या है दोस्तों? ये मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है, अतः इसके नियंत्रण के लिए इसके फैलाव को रोकने के लिए दोस्तों DDT का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जब सब ठीक है तो आप लोग वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, डायरिया रोग नियंत्रण कार्यक्रम WHO के द्वारा कब चलाया गया? तो दोस्तों डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम दोस्तों WHO के द्वारा 1980 में चलाया गया, बल्कि भारत में डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1975 से ही शुरू था, यानी भारत का बात किया है दोस्तों तो भारत में 1975 से डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है और WHO ने इसको 1980 में शुरू किया। दोस्तों ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हैं और वो दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए दोनों को याद कर लीजिए। और PDF नोट्स सबको मिल जाएंगे, बस आप लोगों को करना क्या है, आप लोग जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए, ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे देखेंगे हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? दोस्तों हैजा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है दोस्तों? कोलेरा बोला जाता है, ठीक है। आप समझिए हैजा किस जीवाणु के कारण होता है दोस्तों? तो जो हैजा होता है वो कोलेरा वाइब्रिस नामक जीवाणु से होता है, कोलेरा वाइब्रिस नामक जीवाणु से होता है, इसे कॉमा बैसिलस भी कहा जाता है। दोस्तों कॉमा बैसिलस क्यों कहा जाता है कोलेरा वाइब्रिस को? और दोस्तों इसको कॉमा बैसिलस इसलिए बोला जाता है कि दोस्तों जो ये जीवाणु होते हैं इसका जो आकार होता है इंग्लिश के कॉमा जैसा होता है, यानी इस आकार के होते हैं जीवाणु, इस आकार के, ठीक है, कॉमा जैसा होता है, अतः इसे कॉमा वैसिलस भी बोला जाता है। और दोस्तों इसको समझ लिए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सामान्य व्यक्ति को 100 ml रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अब इसको समझिए दोस्तों। दोस्तों जो ग्लूकोज होता है मानव रक्त में वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे कि लोग मधुमेह के रोगी हो जाते हैं। अगर कम हो जाए तब पर भी लोगों को डायबिटीज हो जाता है और ज़्यादा हो जाए तब पर भी लोग डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं दोस्तों। तो सामान्य मनुष्य के रक्त में 100 ml रक्त में दोस्तों जो इसकी मात्रा है ग्लूकोज की मात्रा है दोस्तों वो 80 से 120 mg होना चाहिए। अगर 70 से नीचे गया तब पर भी आपको डायबिटीज हो जाएगा और 120 के ऊपर गया तो तब पर भी डायबिटीज हो जाएगा। इसलिए प्रति 100 ml खून में 100 ml रक्त में दोस्तों 80 से 120 mg क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए। और दोस्तों आगे देखिए एक बीमारी का नाम लिखा हुआ है, क्वाशियरकर नामक रोग कब और किसने दिया? दोस्तों क्वाशियरकर नामक रोग को सर्वप्रथम 1993 में डॉक्टर सिसले विलियम ने दिया। कौन दिया दोस्तों? सिसले विलियम। और दोस्तों आगे देखिए, मैं जानता हूँ कि आप लोग जितने क्रिकेटर हैं विदेशी उनका नाम याद कर लेते होंगे, लेकिन वैज्ञानिक जो है विदेशी उनका नाम याद करने में आपको कठिनाई महसूस होता होगा दोस्तों। तो जिस तरह से अपना दिमाग रखते हैं क्रिकेट देखने में, IPL चल भी रहा है तो आप वही दिमाग लगाइए यहाँ पर भी और इसको समझिए, क्योंकि दोस्तों पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे।
खिलाड़ियों का नाम नहीं। इसलिए दोस्तों पंखा गिनने से अच्छा है परीक्षा हॉल में बैठकर कि आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हुआ क्वाशियर का नामक रोग कवर किसने दिया दोस्तों, तो 1993 में डॉक्टर सिसले विलियम ने दिया। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल का पता किसने और कब लगाया। दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, आवश्यक अमीनो अम्ल जो होता है उसका पता कौन और कब लगाया। तो दोस्तों 1929 ईस्वी में इसका पता लगाया गया, किसका, आवश्यक अमीनो अम्ल का। और किसने लगाया दोस्तों, बोर एवं बोर। आप कन्फ्यूज मत होइए कि यह बोर एवं बोर क्या होता है दोस्तों, तो ये है एक वैज्ञानिक का नाम जो है, क्या है दोस्तों, बोर एवं बोर, ये एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने ही आवश्यक अमीनो अम्ल का पता लगाया था। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, और दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होने वाला है। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आगे के वीडियो देखने के लिए आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर रहे जब भी वीडियो मेरा यूट्यूब पर जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान साथियों।